खमा गणिसा, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाली हूँ मेरी पोशाक। जी हाँ, जो कि मेरी नई पोशाक है, मुझे बहुत पसंद आई तो मैं उस पोशाक को खोलने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आप लोगों के साथ ओपन करूँ। तो चलिए हम लोग इस पोशाक को खोल के देखते हैं और मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगी कि ये पोशाक मुझे क्यों बहुत पसंद आई। और तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, जामुनी कलर है। और ये कलर इस वक्त बहुत ज़्यादा चलन में है और ओढ़ना भी बिल्कुल इसी ही शेड का। और जो ये पोशाक है वो आप लोग देख सकते हैं, ये इसका लहंगा है और मैंने आप लोगों के सामने अभी ओपन करा है इसे। तो ये इसका लहंगा है। तो पहले हम लोग लहंगे को अच्छे से देख लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने तो देखा था इसे, मुझे बहुत प्यारी लगी है ये। तो पहले मैं आप लोगों को लहंगा दिखा दूँ। तो आप लोग इसका लहंगा देखिए कितना प्यारा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका वर्क और ये कलर कैसा लगा, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। और इस पोशाक का वेट भी बहुत अच्छा हैवी वेट है और इस पे आप वर्क देख सकते हैं, बहुत हैवी बॉर्डर वर्क है। और इसी के साथ सेम इसी की मैचिंग का ओढ़ना है इसके ऊपर प्योर का। तो ये जो पोशाक है वो बिल्कुल न्यू पोशाक है मेरी। तो ये देखिए, ये इसकी हर कली पे बहुत अच्छा वर्क है और बॉर्डर बहुत हैवी है। और अब मैं इसकी आपको कुर्ती कांचली दिखाती हूँ। तो मैं खुद आप लोगों के साथ इसे देख रही हूँ स्टिचिंग के बाद, क्योंकि जब सिल्की आती है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ ये इसकी कांचली है। और इसकी आस्तीन पे जो है पूरा बॉर्डर वर्क है और इस तरीके से वर्क किया हुआ है। और आप लोग जो ये वर्क देख रहे हैं, ये आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि हल्का हल्का ट्यूबलाइट सा लगा हुआ जो वर्क होता है, ये आजकल बहुत ज्यादा पोशाकों में ट्रेंडिंग में है। और अब मैं ओपन करूंगी इसकी कुर्ती। तो ये इसकी कुर्ती है, बहुत अच्छी हैवी है, इस पे बहुत हैवी वर्क है। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी इस कुर्ती में वर्क है। और सबसे ज्यादा आप इस पोशाक में देखेंगे कि इसके ऊपर डब का वर्क है, जो ये मोटे मोटे तार होते हैं, ये वाले इस टाइप वाले जो तार होते हैं जिससे साइड की पत्तियां बनी हुई है, ये वाली, ये जो है इसे डब का वर्क बोलते हैं। ये वर्क कभी काला नहीं होता, इतना इजीली खराब नहीं होता। तो आजकल जो सबसे ज्यादा वर्क चल रहा है इस टाइम डब का वर्क है। अगर आप मेरा लहंगा देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है डब का ही वर्क है और ये वर्क काफी टाइम तक खराब नहीं होगा। और इसका जो बॉर्डर है उसमें भी बहुत ज्यादा यही वर्क है। तो ये वर्क इजिली काला भी नहीं होता, पसीने से भी खराब नहीं होता। और इसमें जो साटन यूज की हुई है वो सबसे हैवी साटन है। तो अगर इस टाइम हम लोग शॉप पे पूछते हैं कि सबसे अच्छी साटन कौन सी आती है पोशाक के लिए, तो वो लोग बाम्बर साटन का नाम लेते हैं, तो ये वही साटन है। तो बहुत अच्छे से इसे तैयार किया है। और अभी जो कलर है, आप लोग सब इंस्टा वगैरह सब लोग चलाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज्यादा इस टाइम जामुनी कलर चलता है, जो राजपूती जो इस टाइम पोशाकों में जो कलर चल रहा है, तो ये पूरी जामुनी कलर में इसका शेड है। जो राजपूती जो इस टाइम पोशाकों में जो कलर चल रहा है, तो ये पूरी जामुनी कलर में इसका शेड है। पूरी 4 मीटर एक जैसी है ये, इसका उड़ना भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने ही इसे ओपन करूं, तो मैंने बिल्कुल आप लोगों के सामने ही इसे पॉलिथिन से निकाला है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये पोशाक, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बहुत प्यारी पोशाक है ये, आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर आजकल मेरा बहुत फेवरेट है और सबसे ज्यादा मुझे देखने भी ही मिल रहा है। तो अब मैं इसे कोई बहुत अच्छे फंक्शन में पहनने वाली हूँ, तो जब मैं इसे पहनूंगी तो फोटोज वगैरह ऑब्वियसली बातें जरूर डालूंगी, क्योंकि बहुत प्यारी पोशाक है। तो ये है इसका, इस पे जो मैंने आपको पूरा दिखाया कि न्यू पोशाक न्यू वर्क के ऊपर, पूरा जो है इसके ऊपर हैंडी मतलब हैंड से किया हुआ वर्क है, तो इतनी जल्दी खराब भी नहीं होगा। ये इसकी कुर्ती पे जो आप देख सकते हैं वर्क अच्छा है और इसके बैक में भी पूरा वर्क है। पोशाक बहुत हैवी है ये, बहुत अच्छी साटन की पोशाक है, इजीली खराब नहीं होगी, इसका वर्क बहुत जल्दी से काला भी नहीं होगा। तो ये है
न्यू पोशाक जो कि मेरी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हाथ में इस टाइम मेरी इतनी हैवी पोशाक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारी कोई नई ड्रेस आती है या मार्केट से नई ड्रेस लेके आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो ये पोशाक जो है वो गिफ्टेड है, इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो बहुत सुंदर है और देखिए इसका कुर्ती वर्क, लहंगे का पूरा वर्क मैंने आपको दिखाया और इसकी ओढ़नी बिल्कुल इसकी जैसी है। बट इस ओढ़नी में अभी आपको इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि ओढ़नी के ऊपर जो है वो ये जो ये वाला गोटा लगाते हैं उसके ऊपर जो हम तुरी लगाते हैं वो सब रेडी होने के लिए गई है। तो मुझे सब सब्र नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से शेयर करूं इसको, तो इसलिए मैंने फटाफट से आप लोग को ये पोशाक दिखाई। आप लोग सोच सकते हैं इसकी ओढ़नी कैसी आएगी, कलर मैंने आपको बता दिया। तो ये है पोशाक, तो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी ये नई सुंदर सी पोशाक कैसी लगी। मैं बहुत वेट करूंगी कमेंट में आप लोग मुझे शेयर करें कि कैसी लगी। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं पोशाक के बारे में, किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड जरूर बनाऊंगी, और या फिर आपके मन में किसी टॉपिक को लेकर, कल्चर को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप इजीली पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब किसी चीज़ को समझने में कल्चर से या फिर कपड़े के बारे में पूछने के लिए, पोशाकों के वर्क के बारे में पूछने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हैं। नेहा राठौर नाम से मेरा पेज है इंस्टा पे। तो ये आज की थी पोशाक, और प्लीज 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 बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे जो मेरा आने वाला वीडियो होगा वो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये थी मेरी नई पोशाक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज का वीडियो इतना ही, खमा गणिसा।